पसंद क्या है अगले 80 मिनट के लिए ऐसे जी आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड गुड आफ्टरनून सेल्स गुड आफ्टरनून गिरंजी मैं 40600 का कॉल मैग्निटिक का एक्युमुलेट करना चाहूंगा विद इन द रेंज ऑफ नॉट 200 टू से 250 के बीच में इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा समवेयर अराउंड 160 मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो ट्रैक्शन है वो 90 मिनट्स में दिखेगा अगर नहीं भी दिखेगा तो मंडे को कैरी फॉरवर्ड रहेगा इसको अगर डिप्स में बाय करेंगे बैंक निफ्टी को चालीस हजार छह का कॉल मुझे लगता है कि इसमें अच्छा रिवर्स दे सकते हैं सो so, वन का अराउंड स्टॉप स्टॉपर्स एंड आई एम लुकिंग फॉर ए टारगेट ऑफ एटलीस्ट फोर पॉइंट्स बाय मंडे नून सो बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग करना चाहूंगा कॉल में कौन से ऐसे दो या तीन बैंक आपको लगता है कि आप इस मोमेंटम को लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हुए दिखेंगे दो का ये कॉल आपके सामने फिलहाल निफ्टी बैंक का कल भी आपने बहुत बढ़िया एक मोमेंटम ट्रेड सजेस्ट किया था जब बैंक निफ्टी 39,500 था तब आपने 40,000 हजार की कॉल की खरीदारी की राय दी थी कौन से दो या तीन ऐसे बैंक्स जो ताबड़तोड़ तेजी में बैंक so, so like, you know, Uh, इसको अगर हम इवेल्यूएट करेंगे ये मल्टी टाइम फ्रेम में बुलिशनेस काफी है इसमें बुलिश uh, फुटप्रिंट काफी अच्छे से विजिबल है कोई भी डीप आएगा तो इन तीनों बैंक्स में भी बाय कर सकते हैं एंड uh, अगर इसको मैं, बैंक स्पेसिफिक नहीं जाना है बट स्टिल में हम जा सकते डीप आता है तो उसको डिफरेंट ब्रांच में हम एकोमोडेट कर सकते हैं ये आपके सामने आती हुई जी आ, कुछ टिप्पणी आपकी चालीस पांच सौ की कॉल नहीं मेरे ख्याल से असित ने चालीस छ सौ की कॉल बोली जी, 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 जी. जी, जी. I mean, व्यू अच्छा है शैल जी मेरा भी बैंक निफ्टी पे व्यू का, काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन मेरा कल था ऑप्शन पे पैसा कमाने के लिहाज से आज मैं शायद शैल जी थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा मैं स्टॉक ऑप्शंस पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं ज्यादा कंफर्टेबल स्टॉक ऑप्शंस पे हूं जैसे अगर आप देखें चाहे वो एक्सिस हो गया चाहे वो कोटेक हो गया चाहे वो एच बैंक हो गया और फॉर देट मैटर आईसीआईसी बैंक है तो शैल जी आज मैं इंडेक्स ऑप्शन की बजाय स्टॉक ऑप्शन लेने की कोशिश करूंगा शैल जी लेकिन मत आई थिंक इंडेक्स की स्ट्रेंथ को लेकर जो का है वो मेरा अभी भी, भी कायम है शैल जी चलिए असी जी चालीस छह की जो आपने कॉल दी है और हम लोग वीकेंड पर खड़े हैं Uh, कब तक आपको लगता है हम लोग ये 28 अक्टूबर वाली कॉल पर ध्यान दें या उससे अगले हफ्ते भी आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में तेजी बनी रहेगी uh, नहीं आ, से ये कॉल स्पेसिफिकली फ्रॉम टुडे मंडे नून तक है अगर सौ पॉइंट का लॉस होता है तो ओके बट रिस्क रिवर के परस्पेक्टिव में मंडे नून तक ही देख रहा हूँ मुझे लगता है की So, आपको इन द मनी आ सकती है ध्यान दीजिए वीकेंड पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं और आप अगले हफ्ते मध्य में कोटक बैंक के नतीजों का इंतजार करते हुए दिखेंगे ये तो कॉल आपको असित जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है